यस बैंक लिमिटेड के ऊपर आरबीआई ने आज से यानी 5 मार्च 2020 से लेकर के 3 अप्रैल 2020 तक के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस डिसीजन को बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए अपडेट्स आप तक आएंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45 के तहत आरबीआई ने अप्लाई किया भारत सरकार के पास और फाइनली यस बैंक के ऊपर मॉरेटोरियम अप्लाई करवा दिया है, लागू करवा दिया है। और बेसिकली इसको ऐसे समझिए कि इस पीरियड में यानी कि 5 मार्च 2020 से लेकर के 3 अप्रैल 2020 यानी इस मॉरेटोरियम के पीरियड में, इस रोक के पीरियड में यस बैंक के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे और उन रेस्ट्रिक्शंस को भी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। सबसे बड़ा जो रेस्ट्रिक्शन लगा है यस बैंक के ऊपर आरबीआई के द्वारा, उसमें ये है कि इस पूरे मॉरेटोरियम के पीरियड में यानी कि 5 मार्च 2020 से लेकर के 3 अप्रैल 2020, तो 5 मार्च का जो डिसीजन आया था वो 5 मार्च को शाम के 6 बजे के बाद आया था, तो आज के दिन को हटा भी दें तो 6 मार्च 2020 से लेकर के 3 अप्रैल 2020 के पीरियड में यस बैंक का कोई भी कस्टमर अपने बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर पाएगा। और यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, मे बी आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट हो तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक अकाउंट से 50,000 निकालेंगे, दूसरे अकाउंट से भी 50,000 निकालेंगे, नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट्स मैटर नहीं करेगा, ओवरऑल जो लिमिट रहेगा आपके ऊपर वो 50,000 रुपये का रहेगा और ये इस पूरे मॉरेटोरियम के पीरियड के लिए इफेक्टिव रहेगा। दूसरी बात, आरबीआई ने क्या किया है कि जो यस बैंक का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको सुपरसीड कर दिया है और इसका जो पावर है आरबीआई के पास वो सेक्शन 36 ACA देता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 36 ACA के तहत आरबीआई ने विथ इमीडिएट इफेक्ट यस बैंक के बोर्ड को भी सुपरसीड कर दिया है और उसका जो चार्ज है कंप्लीट वो दे दिया है एसबीआई के फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर प्रशांत कुमार को, और वो अभी इसके यस बैंक के फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करेंगे। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आरबीआई ने विड्रॉल ओवर 50,000 को अलाउ कर रखा है, जहां पे बैंक्स अलाउ कर सकते हैं 50,000 से ऊपर के विड्रॉल को। उनमें मेडिकल इमरजेंसी है, हायर एडुकेशन है, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ मैरिज है, तो इन सारे ग्राउंड्स पे विड्रॉल किया जा सकता है 50,000 से ऊपर, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो देना पड़ेगा। आरबीआई ने यह भी क्लेरिफाई किया है कि जो डिपोजिटर्स हैं यस बैंक के उनको वरी नहीं करना है, उनको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो फेज है मॉरेटोरियम का ये एक टेम्प्रोरी फेज है, 30 डेज के लिए लगाया गया है, क्योंकि आरबीआई ने देखा था कि यस बैंक लिमिटेड के जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं वो खराब हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है। देखिए, अगर इसको नहीं लगाया जाए तो क्या हो रहा है कि पैनिक होकर के बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ करेंगे तो लिक्विडिटी इशू आएगा बैंक के साथ, तो और स्थिति गड़बड़ ना हो जाए उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है। टेम्प्रोरी रेस्ट्रिक्शन है, पैनिक नहीं करना है, पैसा आपका सेफ है बैंक में। और ये जो फेज है इस दौरान यानी इस मॉरेटोरियम के पीरियड में, 30 डेज के पीरियड में आरबीआई क्विकली कैसे रिस्टोर किया जाए बैंक के फंक्शन को, उस पर भी ध्यान देगा और एमलगेमेशन और रिकंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शंस को भी देखेगा कि क्या बेटर किया जा सकता है सो दैट कि फिर से यस बैंक पटरी पर आ जाए और फिर से वापस से अच्छे से काम करने लगे। तो इसीलिए ये 30 डेज का टेम्प्रोरी फेज है और ये पार हो जाएगा, फिर से वापस यस बैंक अच्छे से काम करने लगेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है और इस बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जिससे कि रिस्टोर किया जा सके, उसको आरबीआई जरूर ध्यान में रखेगा। और वो मेजर हो सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन किया जाए या अमलगमेशन किया जाए, तो इस चीज को भी देखना होगा कि आगे आरबीआई क्या डिसीजन लेता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।